Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Kitchen with Adila। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू टिक्की की रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूवर्स, आलू टिक्की बहुत मजेदार स्नैक्स है। इसे आप किसी राइस वगैरह की डिश के साथ सर्व कर सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। पोटैटो लिए हैं मैंने 3 और उन्हें मैंने हाफ कट करके बॉईल कर लिया है और पील कर लिया है। एक मीडियम साइज की अनियन ली है, उसे चॉप कर लिया है। 1/4 कप मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स का, उन्हें फाइनली चॉप कर लिया है। उसके अलावा सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून, रेड पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक 1/2 टीस्पून, क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून हीपफुल और गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हमें एग चाहिए होगा एंड पे फ्राइंग के लिए और ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोटैटोस को पहले मैश कर लूंगी मैं। ये मैश कर लिया। अब इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, साथ ही कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए हैं और कटे हुए अनियन भी ऐड कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अनियन हमने बहुत ज्यादा नहीं कर लेने, यानी कि 3 पोटैटोज थे तो मैंने 1 अनियन लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सिंग हो गई है। यहाँ पे इसका सॉल्ट और पेपर वगैरह का जो भी टेस्ट आपने रखना है वो एडजस्ट कर लें। और ये याद रहे कि ये स्पाइसी होती हैं। तो अच्छे से मैश कर लें इसे और देखिए दबाने पे इस तरह से ये कंबाइन हो जाना चाहिए। इस तरह की डो हमने प्रिपेयर करनी है। अब इसका थोड़ा सा हम पोर्शन लेंगे और हाथों की मदद से इसकी टिक्की बना लेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जो टिक्कियां हमें रेडी करनी है वो कॉम्पैक्ट हों, उनमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो फ्राइंग के दौरान टूट जाती हैं। तो इस तरह से हमें सारी रेडी कर लेनी है। ये रेडी हो गई है। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो फ्राइंग के लिए यहाँ पे मैंने एग ले लिया है, इसे बीट कर लिया है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे हीट होने के लिए रख दिया है। एक एक टिक्की उठाएंगे, इस तरह से डिप करेंगे एग में और पैन में डाल देंगे। दोनों तरफ लाइट गोल्डन कलर देंगे और ये फ्राई हो गई। देखिए बहुत लाइट सा कलर दिया है मैंने। डिश आउट कर लेंगे। आप इन्हें फौरन भी सर्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो 5 से 6 दिन के लिए इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी मील का हिस्सा बना सकते हैं, राइस के साथ ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं और उसके अलावा नान वगैरह के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो बन वगैरह में लगा के बर्गर बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और मुझे बताइएगा कि आपको इनकी रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे किसी न्यू और यमी रेसिपी के साथ। सो कीप वॉचिंग किचन विद अदीला।